मेरा ये मानना है कि अब कुछ भी बात रखे उस पर फैक्ट होना चाहिए। पहली बात, उन्होंने कही जहरीली शराब के कारण जो हादसा हुआ, हम सब मानते कि ऐसे हादसे कभी नहीं होने चाहिए। उस हादसे में जिसके वहाँ से ये शराब बांटी गई थी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और दोनों जिले के जो जिला एसपी होते दोनों का तबादला कर दिया गया, उस पर कार्यवाही। वो कह रहे हैं वो छोटी मछली है। तो देसी जहरीली शराब जो देसी शराब होती है उसमें बड़ी मछली कौन से लाए? दाऊद को पकड़ के लाए क्या? ये देखिए मुद्दा दूसरी बात, भाजपा के जो ऑफिसर है वो इन्वॉल्व है वहां पे। उसके हफ्ते के पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे हमारे वहां के जो कार्यकर्ता ने एक लेटर लिखा बाकायदा कलेक्टर को कि ये यहां पे ये हो रहा है, आप जरा चेक कीजिए। एक हफ्ते के पहले लेटर सोशल मीडिया में, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है कि क्या मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? बड़ी मछली मंत्री है, उनको आप कुछ कर नहीं सकते। मोरबी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 150 लोग मर गए, क्या बड़ी मछली आपको दिख नहीं रही है? चलो मोरबी का जवाब दे दीजिए, क्यों आज तक कॉन्क्रीट कॉन्ट्रेक्टर की वहां पे गिरफ्तारी नहीं हुई? कहां पे जो ऑफिसर था जो एनओसी के बिना अलाउ किया? जवाब तो सबसे पहले मोरबी की जो घटना हुई, यहाँ से जो हम बातचीत कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि मोरबी की घटना पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। जब से ये घटना हुई तब से विपक्ष की पार्टियों ने इस पर राजनीति की, और चुनाव का माहौल था तो उनको राजनीति करने में मजा भी आ गया। इस घटना के कारण पूरा गुजरात दुखी था, सिर्फ मोरबी नहीं, 7 करोड़ लोग दुखी थे, और स्वाभाविक रूप से भारत के, भारत से नहीं विदेश से भी लोगों ने ट्वीट किया। राजनीति नहीं करनी चाहिए उस पर, उस पर जितने भी एफआईआर हुई है उस पर कार्यवाही चल रही है, उसमें चीफ ऑफिसर पर का भी जवाब लिया गया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अरे करेंगी सरकार, अरे कर रही है सरकार, आज भी कॉन्ट्रेक्टर बाहर घूम रहा है। कार्यवाही राजनीतिक बात नहीं, सबसे पहले उस पर कार्यवाही करेगी और जो लोग दोषी होंगे उसको सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी सबसे पहली बात। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ड्रग्स पकड़े जाते उस पर कार्यवाही नहीं होती, तो सर क्या ड्रग्स न पकड़े हम? गुजरात सरकार की पुलिस ड्रग्स पकड़ रही है तो अच्छी बात है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि गुजरात गुजरात की पुलिस ने इतने करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा है, क्या लोगों में बढ़ जाए बाद में पकड़े? आज पहली बार ये हुआ है कि गुजरात में इतना